Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. हम टाइमल मिल्स की अगर बात करें आईपीएल के जो फैंस हैं उनको याद होगा कि 2017 में उनका एक सीजन था यू नो वो भी उस सीजन से काफी निराश होंगे उसके बाद थोड़ी देर गायब हो गए थे फिर कमबैक हुआ उनका वाइट बॉल सर्किट में और अब जब जोफ्रा आर्चर बाहर हुए टीम से तो ये एक तरीके से स्ट्राइक बॉलर इनके बन चुके हैं मुझे तो ये कहानियां बहुत पसंद है और क्रिस गेल और निकोलस पूरन को आउट किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच हुआ था तो आशीष मैं आपसे ही पूछता हूँ चलिए लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं तो हमारे पास भी यहाँ पर एक है तो चलिए बताइए आपको आप कैसे इंप्रेस हुए इनके इस कमबैक से इनके प्रदर्शन से देखिए सबसे पहले तो मैं इंप्रेस हुआ हूँ जो अभी आपने कहा ना कि जिस तरीके दो विकेट इन्होंने प्राप्त किया अगर आप वो दोनों डिस्मिसल देखें ये स्लोर वन डालने के लिए माहिर थे इनको स्लोर वन डालने के लिए लाया गया था आईपीएल में कि बड़ी राशि खर्ची गई और अगले साल अनसोल्ड चले गए साढ़े 12 करोड़ या कुछ मिले थे इनको राइट उस साल काफी देखिए चोटिल बाद में हुए उसके बाद मेरी समझ से परे कि आपने जैसा भी कहा ना कि 12 या 10-12 करोड़ किसी खिलाड़ी को मिले और अगले साल 50 लाख में भी कोई उसे नहीं खरीद रहा कि वो एक साल में इतने खराब हो गए ऐसा नहीं कि अगले साल इनका नाम नहीं था ऑक्शन में तब तक तो खेल रहे थे उसके बाद चोटिल हुए पर जिस तरीके से आउट किया अगर यहाँ पे वर्ल्ड कप पे वापस आए जिस तरीके से आउट किया क्रिस गेल को जिस तरीके से आउट किया निकोलस पूरन को वो स्लो रन पे आउट नहीं किया है तेज डाल के आउट किया है तो वो देख के मेरे को अच्छा लगा कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि जरूरत से ज्यादा इनके पास गति है और जरूरत से ज्यादा मैं सिर्फ स्लो रन की ओर ही रुख कर लिया था यहाँ भी वो देखने को नहीं मिला यहाँ मिश्रण बहुत अच्छा किया है और जिस तरीके से ऑयन मॉर्गन ने इनका इस्तेमाल किया हालांकि अभी एक ही मुकाबला हुआ है पर ऑयन मॉर्गन हम जानते हैं मंझे हुए कप्तान बन चुके हैं इंग्लैंड के लिए खासतौर पर जो उनके पास रिसोर्सेज है उनका बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि देखिए क्रिस जॉर्डन तो हम देखते नहीं कि सर्कल में गेंदबाजी करते हैं तो सर्कल के जो 6 ओवर है ना वो इन 5 में से 3 का जिम्मा लगा हुआ है अभी तक जो ऐसे मैं इंग्लैंड की टीम देखता हूँ फाइनली क्रिस वोक्स और तीसरे है टाइमल मेल्स तो ये जब भी जो महत्वपूर्ण ओवर होंगे ना कि जो अगर पावर प्ले में तीसरे से छठा वाला ओवर वहां पे आपको करते हुए दिखेंगे लास्ट के 4 ओवर में करते हुए दिखेंगे तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इसीलिए ये डिपार्टमेंट इनको दिया भी गया तो इंग्लैंड एक बार फिर इनकी और निगाहें रखेगी और देख के अच्छा लगा जिस तरीके से इन्होंने कमबैक किया है वो काबिले तारीफ है कि घरेलू जो T20 है उसमें भी अच्छा किया इंग्लैंड की T20 लीग में अच्छा किया और उस फॉर्म को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है ये इसमें कोई डाउट नहीं बिल्कुल और आज पता नहीं आज क्योंकि बांग्लादेश स्पिन अच्छा खेलती है तो क्या वो मोइन अली को लाएंगे पावर प्ले में या क्या शायद टाइमल मिल्स को दे दी जाए नई गेंद पर तो पता लग ही जाएगा कुछ मिनटों में